अनेकों ऋषियों ने अनेकों शास्त्र दिए। एक कोई भक्त हमको दिखा रहे थे एक वीडियो, सुनना जरा ध्यान से। उस वीडियो में कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति कह रहा था, महाराष्ट्र में जाओ वहां हिंदू गणेश को पूजते हैं, बंगाल में जाओ वहां हिंदू काली को पूजते हैं, वृंदावन बिहार उत्तर प्रदेश में चले जाओ वहां हिंदू राम कृष्ण को पूजते हैं, पशुपतिनाथ जी में चले जाओ वहां हिंदू नेपाल में चले जाओ वहां शिव को पूजते हैं, अलग अलग जगह के हिंदू अलग अलग देवताओं को पूजते हैं, लेकिन हमारे यहां तुम कहीं भी पूरे विश्व में चले जाओ हम एक ही को पूजते हैं, हम एक ही को पूजते हैं। अब उस महानुभाव को पता भी नहीं, जाने अनजाने में तुम भी तो शिव ही को पूजते हो जिसे तुमने छिपा रखा है। तुम बता नहीं पाते हो कि तुम किसको पूछते हो, तुम तो बता ही नहीं पाते हो किसको पूछते हो। लेकिन हां, अगर हिंदुओं की बात करोगे तो हिंदुओं का जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, वो इतना 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 विशाल है कि यहां पर एक ही भगवान नाना प्रकार के रूप धारण कर करके पृथ्वी पर तब तब आता है जब जब इन हिंदुओं को उसकी आवश्यकता पड़ती है, जब जब ये बुलाते हैं तब तब वो आ जाता है इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए। और न सिर्फ आता है बल्कि इनको अपने गले से भी लगाकर ये महसूस करा देता है, चाहे तू हनुमान के रूप में बानर राजा राम बनकर मैं तुझे अपने सीने से लगा लूंगा, तू दीन बनकर सुदामा आ जा मैं कृष्ण बनकर तुझे अपने हृदय से लगा लूंगा। ऐसा है हिंदुओं का देवता। हिंदुओं के देवता 525 नहीं है, हिंदुओं का देवता तो एक ही है, पर अन्य अन्य रूपों में नाना प्रकार के रूपों में वो आता है। तुम्हारा तो आता ही नहीं है। सोचो हमारा कितना अच्छा है, कम से कम आता तो है, केयर करता है वो अपनों की। तुम्हारा तो वही है, आता नहीं है। और जो आता नहीं उसका पता नहीं है भी कि नहीं, पर तुम्हारे लिए है तो enjoy yourself। I am not interfering your feelings, your religion। No, it's not my right, my dear। It's not my right। But you don't have right also। You can't say anything about my religion because you don't know anything। Single words you don't know about my religion। Don't try to make फूल योर सेल्फ ऑल्सो माई डियर। थैंक यू सो मच। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मुझे कभी कभी फीलिंग हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कंट्रोल में बोलूँ। वो लोग कहते भी हैं थोड़ा बोला करो, पर धर्म के ऊपर कोई ऐसे बोले तो फिर अनकंट्रोल हो जाता हूँ मैं। और ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं किसी का अपमान नहीं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप सब अच्छे रहें। लेकिन ये दूसरों पे उंगली उठाओगे तो एक बाकी बची हुई तीन चार आप ही की तरफ जाएंगे। इसलिए मेरा धर्म ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा बोले, लेकिन आप अगर उल्टा सीधा बोलेंगे तो जवाब मिलेगा। तो आप सब समझे इस बात को, और युवा भाई बहनों को तो जरूर समझनी चाहिए, तुम्हारा देवता तुम्हारा धर्म बड़ा प्रत्यक्ष है। जब जब बुलाओगे वो आता है, तुम्हारी हेल्प करता है।